बिहार के आरा में बीते मंगलवार की सुबह पुरानी रंजिश में बदमाशों ने बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उदवंत नगर थाना क्षेत्र के रघुनीपुर गांव की है। पिता पुत्र खेत में कटनी कर रहे थे, इसी दौरान 5 की संख्या में बदमाश पहुंच गए और गोली मार दी। मृतकों की पहचान रघुनीपुर निवासी रामाधार सिंह और उनके बेटे मुकेश सिंह के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद रामाधार सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 30 साल का मुकेश गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। हत्या की वजह भूमि विवाद बताई जा रही है। इस मामले में भोजपुर SP ने बताया कि उदवंत नगर थाना क्षेत्र के रघुनीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने रामाधार यादव और उनके बेटे को गोली मारी है। दोनों खेत में गेहूं काट रहे थे, इसी दौरान गोली मारी गई। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हुई, जबकि एक की मृत्यु अस्पताल में हुई है। 9-10 से चल रहा था सर। कितना जमीन को लेके? 2 कट्ठा जमीन को लेके। बहुत जाई है सर, 2-2 लड़की है। हम लोग गेहूं काट रहे थे, आकर मारने लगा गोली रघुनीपुर गांव में सर। मारने वाला था विनोद सिंह, गमेंद्र, अमन, चमन और चनारमा सिंह, और 3-4 लोग था। उसका नाम हम बाद में बताएंगे, अभी नाम याद नहीं आ रहा है सर। खोपड़ी काम नहीं कर रहा है मेरा, हैं लाद में मारा। मेरा पिताजी का खोपड़ी फट गया, खोपड़ी मेरा भाई का गोली मार दिया, लाद में मर गए। अजीत दादा, इन लोग, मेरा नाम जगेश कुमार पड़ेगा सर, इन लोगों ना फांसी होगा ना सर। हत्या कर दी गई है, क्या मामला? आज सुबह लगभग 7:15 को पुलिस को सूचना मिली कि रघुनीपुर गांव जो थाना में पड़ता है, वहाँ पे पिता पुत्र को गोली लगी है। वहाँ पर इमीडिएटली पुलिस पहुँची। पुलिस की पहुँचने में पाया गया कि पिता की मौत हो चुकी है, जो जो पुत्र अभी भी जीवित है। तो उनके पुत्र, जिनका नाम मुकेश सिंह है, उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, परंतु इलाज के क्रम में उनकी भी मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक सूचना से यह ज्ञात होता है कि यह पुराना विवाद है दो गुटों के बीच में, ग्रामीण स्तर पर ही, जिसको लेकर हत्या हुई, और इसको लेकर कुछ साल पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। अभी अनुसंधान अंतर्गत है और हम हर जगह छापेमारी में लगे हुए हैं, और तकनीकी अनुसंधान से लेकर बाकी सारे इंटेलिजेंस से भी हम जांच कर रहे हैं। ठीक है सर, इस डबल मर्डर में जमीनी विवाद की बात है। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से लेकर बात आ रही है, परंतु अभी तक इसकी पुष्टि। थानाध्यक्ष और वरीय पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई।